हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बौद्ध और जैन संगीतियों को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम बौद्ध संगीतियों को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बौद्ध की चार संगीतियाँ हुई थी, राम वक्स पाम केकेवी। राम वक्स पाम केकेवी, ठीक है। तो जो राम है वो पहले आया था, वो प्रथम संगीति थी राम। तो पहले हम राम को देखते हैं। आर आर से हो गया राजगिरी, आर से राजगिरी, ए से अजातशत्रु और एम से महाकश्यप। तो राजगिरी जिस जगह पे हुआ था वो राजगिरी था, शासक था अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष था महाकश्यप। यह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब हम द्वितीय बौद्ध संगीति को देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति वक्स वक्स के माध्यम से देखते हैं। वक्स हो गया VKS वक्स। तो वी से हो गया वैशाली, जिस जगह पे हुआ था वह था वैशाली। वी से वैशाली, के से कालाशोक शासक था और एस से सव्वाकामी, ठीक है। यह प्रथम बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, तो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब हम तृतीय बौद्ध संगति को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति को पाम के माध्यम से देखते हैं। तो पाम, पी से पाटलिपुत्र, पी से पाटलिपुत्र और ए से अशोक, अशोक शासक था। उसके बाद अशोक महान शासक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद एम से मोगलिपुत्तिस, तो मोगलिपुत्तिस जो था वह अध्यक्ष था। यह 251 BC में हुआ था। जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था वह 251 BC में, ठीक है। अब हम चतुर्थ बौद्ध संगति को देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति को KKV से देखते हैं। के से कुंडल ग्राम, यह कश्मीर में है। उसके बाद के से कनिष्क, शासक कौन था, कनिष्क था और इसके जो अध्यक्ष थे वी वसुमित्र, वी वसुमित्र, ठीक है। यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब हम जैन संगीतियों को देखते हैं। जैन की प्रमुख दो संगीतियाँ हुई थी, इसको हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। पास बलदेव, पास जो था वो बलदेव था। तो पास से देखते हैं, प्रथम जैन संगति को देखेंगे पास के माध्यम से। पास, पास से पाटलिपुत्र, एस सौ से स्थूलभद्र, अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। यह प्रथम जैन संगति में 12 अंगों की रचना की गई थी, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति को देखते हैं। बलदेव, बल से बल्लवी, यह स्थल था और अध्यक्ष था देव से देवर्धिगणी, ठीक है। यह 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें जैन ग्रंथों का संकलन तथा लिपिबद्ध किया गया था। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।